गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज विषय शारीरिक शिक्षा का पाठ तो खेल व पोषण के में आज हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो आप जान लीजिए खेल क्या है। खेल यानी शारीरिक प्रतिक्रियाओं द्वारा मनुष्य जो खेल क्रीड़ा करते हैं उनको कहा जाता है, और उसमें पोषण किस तरीके से तत्वों का कार्य होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अपने विषय शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि आहार हमारे लिए क्या है। आहार वह चीजें हैं जो तत्व हम मनुष्य खाते हैं जिनके आधार पर हमारे शरीर के अंदर कार्य होते हैं। जिस प्रकार का पोषण तत्व हम लेंगे, आहार लेंगे, उसी प्रकार से हमारे तत्व शरीर के अंदर होने वाली क्रियाकल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं आएंगी, यानी उसी प्रकार में वो उसमें चेंजेस होती चली जाएंगी। आपके सामने एक मैंने चित्र बना रखा है, एक मानचित्र है। इस चित्र के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आहार अपनी प्रतिक्रियाएं करता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आहार भोजन के तत्व में। भोजन के तत्व में यानी कि भोजन क्या है, जो हम भोजन खा रहे हैं वो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और किन किन प्रकारों में होना चाहिए। पहला होता है पोषक तत्व और होता है अपोषक तत्व। पोषक तत्व वो है जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर सील चीजें हैं, जो हमारी शक्तिशाली चीजें, जो हमको आगे कार्य करने में बहुत योगदान देगी। और अपोषक तत्व में जो है, जो हमें जिसमें तत्व पोषकता का नहीं है, कोई उसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस चीज का प्रयोग करते हैं, तो वो किस किस चीजों में जनी होती है। पहले अपोषक तत्व देख लेते हैं। छोटा है, इसमें फाइबर होगा, रंग और युक्त होंगे, स्वाद युक्त होगा, पादप योग्य होगा और अन्य कई प्रतिक्रियाएं होंगी उसके अंदर। यानी कि कुल मिलाकर ये एक डेलिशियस, एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट डिश होगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी पोषण तत्व नहीं होंगे, ऐसी कोई तत्वता नहीं होगी जो हमारे शरीर को लाभदायक करे, उतने पावर में नहीं होगी। फाइबर एक ऐसा तत्व है जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन और बाकी तत्व उतने खास हमारे लिए नहीं मिलेंगे, कोई ऐसे खास पोषण तत्व तो उससे हमें अर्जित नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम अगर वही पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं, एक अच्छे डाइट का प्रयोग करते हैं, एक अच्छे तरीके से खाने का प्रयोग करते हैं, तो हमें कई प्रकार के पोषण तत्व तो मिल सकते हैं। जैसे ए पार्ट में और बी पार्ट में आपको हमने बताया है। पहले मैं मैक्रो पोषक तत्व और दूसरे में माइक्रो पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म होते हैं यानी छोटे होते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़े तत्व, जो हमें बड़े तत्व में मिलेंगे और जो छोटे तत्व में मिलेंगे। ए में आते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वास और प्रोटीन, और बी में है माइक्रो पोषक तत्व में जो कि छोटे रूप में सूक्ष्म में विटामिन, मिनरल्स और जल, ये छोटे तत्व में हमें मिलते हैं। पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में होने वाले पाचन क्रिया तथा हमारे संपूर्ण रूप के आधारित शक्ति को संचालित करने में शरीर के में कार्य आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें अंदर से शक्ति का अनुभव दिलवाता है। और उसी जगह पे अगर हम वसा की बात करें यानी फैट की, फैट हमारे अंदर एक्स्ट्रा फूड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर्ड करने में मदद करता है। यानी कि जैसे हम कभी भोजन प्राप्त नहीं कर पाते, सही रूप में हमारे पास भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, तो वसा हमारे उस भूख की ऊर्जा को समाप्त करने में, या फिर उसको उस समय उस जगह पर वसा अपने कुछ अंश को प्रयुक्त करके आपके अंदर शक्ति की ऊर्जा को बनाए रखने का प्रयोग करता है। और प्रोटीन आपको चुस्त फुस्त और आपकी हड्डियों के लिए काफी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। इसमें दो प्रकार में होता है, एक साधारण और एक जटिल। साधारण जो होता है वो नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर उठना बैठना ये सब चीज में, और जटिल यानी कि हम कोई मेहनत काम करते हैं, प्रेशर लेवल करते हैं, तो उसमें वो पावर सर्कुलेशन का काम करता है। प्रोटीन जो है उससे पहले वास आता है। वास क्या हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले प्रोटीन में देख लेते हैं। प्रोटीन एक साधारण होता है, युक्तम होता है और एक व्यातपन में होता है, वायुत्पन्न में होता है। साधारण जो है आपको बताइए नॉर्मल से होगा, फिर उसका युक्तम होगा, युक्तम यानी किसी न किसी चीज से मिला हुआ होगा, और दूसरा वायुत्तम यानी कि गैसरेबल में होगा। ये इन चीजों की तरीके से प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर वर्केनेशन में होता है। फिर उसके बाद वसा की बात करते हैं, तो वसा काफी बड़ा एक चार्ट है वसा का, जो कि यहाँ पे बताया पहले संतृप्त होगा, फिर असंतृप्त होगा, जो कि एक सामान्य होगा एक असामान्य होगा। फिर उसके बाद उन सबका बटाव है, या भी मोनो ऑक्सीनेशन चेरेटिड में होगा, एक पीली पॉलीअनसैचुरेटेड में होगा, फिर कार्बोहाइड्रेट में होगा, यानी कि तीन विभाजन में बटा हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं हम विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स में एक जल में घुप्त युक्त होंगे और जो एक वसा में युक्त होंगे। जल वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं और वसा में मिलने वाले अलग होते हैं। जो जल में मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार में है। जल में मिलने वाले जो है जैसे कि विटामिन होंगे उसमें आपके कॉम्प्लेक्स में होंगे विटामिन बी
प्लस बी प्लस टू, बी प्लस थ्री, बी सिक्स, बी फाइव और बी ट्वेल्व। और विटामिन में वासा में जो मिलेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन इनमें घुले हुए मिलेंगे। तो यानी कि विटामिन वासा से जो घुली हुई विटामिन हैं, जो वासा में जो हमारे फैट में मिलती है, वो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। और जो हमारे जल में जो मिले हुए मिलेंगे बी प्लस वन, बी प्लस टू, बी प्लस थ्री और बी प्लस फाइव, बी सिक्स और बी ट्वेल्व होंगे, यानी जो हमें जल में घुले हुए मिलेंगे। मैनोचुरेटेड जो भी है, ये आपका शरीर के अंदर होने वाले पोषण तत्वों के अंदर के ही चीजें हैं। ये आपके जो सूक्ष्म रूप और बड़े दीर्घ रूप में मिलते हैं, उसके साथ ही साथ अब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे पढ़ने संतुलित आहार के बारे में पता चलेगा। आपका संतुलित आहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक प्रकार में उचित मात्रा में हर एक संयुक्त आहार होना चाहिए। जैसे कहते भी हैं कि जहां पे हमें पोषण तत्व मिलेगा, जैसा हमें जिस प्रकार का हमें अनाज मिलेगा खाने को मिलेगा, उसी प्रकार की हमारी शक्ति का विकास होगा। उसी प्रकार में पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है, हमें पोषण तत्व अच्छे रूप में मिलने चाहिए। एक समान मानसिक रूप मस्तिष्क और वृद्धि और अन्य क्रियाओं में काम आता है पोषण तत्व। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे छोटे बच्चे को जब हम पोषण तत्व देते हैं तभी उसका शरीर का विकास होता है। तो इसलिए पोषण तत्व हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है मैक्रो मैक्रो तत्वों में, पोषण तत्वों में मैक्रो तत्व देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, मात्रक होती है, वो जैसे कि भोजन से प्राप्त होते हैं। उनके अलावा जो तत्व हमें मिल सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल के रूप में मिले, ताकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली बैक्टीरियल पावर को रोकने का हमारे अंदर ताकत आ सके। उसके साथ आता है माइक्रो यानी सूक्ष्म तत्व हमें इसलिए चाहिए होते हैं विटामिन के रूप में, जिससे कि हमारे शरीर के अल्प मात्र के रूप जो है वो विकसित हो सके। यानी कि हमारा शरीर के अंदर जो छोटी छोटी सेल सिस्टम प्रोसेस है और हमारे शरीर का जो खिंचाव ऊंचा और नीचा जो बॉडी सेल्स का बनना है वो अच्छे रूप से बन सके, डैमेजिंग को बहुत अच्छे जल्दी से हम डेवलप सही कर सके, इन सब चीजों में प्रयुक्त होता है। साथ ही साथ ये इसमें हमें विटामिन व खनिज जैसे प्रयुक्त रूप चीजों में हमें मिल सकता है। फिर आता है ए आहार के पोषक तत्व जितने भी हैं वो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा के वो प्राप्त होती है। उससे हमारे शरीर के विकास वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से होती है। शरीर में बीमारियां तथा किसी भी प्रकार के चीजें आपके शरीर में घुस नहीं सकते। इस प्रकार की चीजों से आपका जो शरीर है बहुत शक्तिशाली रहता है और कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती हमारे शरीर के अंदर, ये मुख्य चीजें हैं। तीसरे से भार नियंत्रण हेतु भोजन करना, यानी कि कभी कभी हम लोग